अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज हम आए हुए हैं मारगला हिल्स ट्रेल 4. इट्स वन ऑफ द मोस्ट इस्लामाबाद थिंग्स यू कैन डू. इट्स माय फर्स्ट टाइम डूइंग सच काइंड ऑफ थिंग इन इस्लामाबाद एंड आई एम हियर. आई डोंट नो अ लॉट ऑफ पीपल इन इस्लामाबाद. एज यू नो, आई वाज ब्रॉट अप आउटसाइड पाकिस्तान, बट अ फ्यू ऑफ द पीपल दैट आई डू नो फ्रॉम यूनिवर्सिटी एंड वन ऑफ द पीपल आई रियली रियली एडमायर is a friend from university. His name is Haroon and he is the CEO of Orenda and he will tell us what he does. Haan bhai Haroon. Assalamu alaikum. So kya haal hai? Allah ka shukr, bilkul theek thaak. Aap sunaye? Definitely not fit for this. Saans phulna shuru ho gayi hai. Abhi to aur upar hai. It will get more strenuous. So Haroon went to Georgetown University, COD dekh le, and I went to Northwestern University. Both of them are in Qatar, yeah. And we had that's how we met. Yeah, that's where we met. Aur Haroon is working in a non-profit. Yeah, right. He will do the explanation basically, much better than I will. I think so, for a short crisp thing, hum log national curriculum ko engaging banate hain. We make children fall in love with learning all across Pakistan. और इस वक्त तालीमाबाद जो कि एक कार्टून सीरीज भी है, गेम भी है, उर्दू में पढ़ाई जाती है, रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई जाती है, वो टी वी पे और मोबाइल ऐप के जरिए टीचिंग मिलियंस ऑफ किड्स अराउंड पाकिस्तान. सो ग्रेजुएशन के बाद मोस्ट ऑफ अस डिड कॉर्पोरेट वर्क और जॉबें ढूंढना शुरू करते हैं, मगर हारून ने ही डेडिकेटेड हिज लाइफ टूवर्ड्स दिस नॉन प्रॉफिट इनिशिएटिव दैट ही स्टार्टेड कॉल्ड तालीमाबाद, ऑल्सो नोन एज ओरेंडा. वैसे तालीमाबाद और ओरेंडा में फर्क क्या है? ओरेंडा इज अ कंपनी एंड तालीमाबाद इज अ प्रोडक्ट. ठीक है, रजिस्टर्ड अंडर ओरेंडा, बट उसका जो मेन प्रोडक्ट लाइन है वो तालीमाबाद है. अच्छा, सो मैं आई वुड लाइक टू नो के यानी हाउ यू ग्रेजुएटेड. यस, वी कुड सिट डाउन. बड़ी खुशी होती है ऐसे पढ़े लिखे लोगों को देख उनसे बात करके वाकई, बट आई थिंक ये हमारी पहली नशस्त नहीं है. वी आई विल बी मीटिंग हिम वेरी रेगुलरली और आप लोगों को थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो गया होगा कि ही इज़ अ ह्यूज रिसोर्स फॉर अस एंड ही इज़ सो मच टू शेयर, सो मच नॉलेज टू शेयर एंड एक्सपीरियंसेस. यू हैव बीन टू ऑल 4 प्रोविंसेस आई एम अज्यूमिंग? यस, वी आर नॉट बलूचिस्तान येट, ऑल अदर प्रोविंसेस. तो या आई विल बी टैपिंग ऑन टू हिज नॉलेज एज वेल और आई एम श्योर आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा थोड़ा बहुत. तो मैं इनकी ऑर्गेनाइजेशन का जो लिंक है वो डाल देता हूँ इधर, शायद अगर लिख सकता हूँ यहाँ भी लिख दूँगा. एंड डू शो योर सपोर्ट टू हिम. और अगर इफ़ यू आर ऑफ हिज एज और इफ़ यू अगर आप पाकिस्तान आना सोच रहे हैं टू गिव बैक टू पाकिस्तान और हेल्प आउट इन एनी वे, जॉइन अस. दिस गाय इज़ डूइंग इनक्रेडिबल वर्क, लुक हिम अप. हाँ, वन मोर थिंग, he was awarded by Queen Elizabeth of England, so he is a big deal and I'm proud to be a friend of his. Okay, so he basically does you make content like infotainment, right? Sorry, edutainment. Yeah, education content, yeah, which is in a very entertaining method so that even those जिनको पढ़ाई का बिल्कुल शौक भी नहीं है, हाँ, वो भी पढ़ सके. सो रिसेंटली यानी क्योंकि जब कोरोना आया वी नेवर एंटिसिपेटेड कि ये होगा, तो हारून वाज प्रिपेयर्ड फॉर दिस काइंड ऑफ सिचुएशन और पीटीवी टेली स्कूल ने इसका कंटेंट भी लिया ना. पीटीवी टेली स्कूल ने भी लगाया, पीटीवी होम ने भी लगाया, एटी ने भी लगाया और अब पेम्ब्रा के मुताबिक रेगुलरली 8 मिलियन बच्चे जो हैं वो हर हफ्ते ट्यून इन कर रहे हैं. इसका मतलब ये है कि कोरोना ने दो चीज़ें की, एक तो पढ़ाई के बारे में इम्पोर्टेंस लोगों के दिल में और ज़्यादा बढ़ा दी और फिर लोगों को ये भी दिखा दिया कि पढ़ाई के और भी तरीके हो सकते हैं एज अपोज टू जस्ट लर्निंग इट थ्रू स्कूल्स. इनफैक्ट अब कुछ बच्चे हमारे जो हैं वो दे रादर लुक फॉरवर्ड टू तालीमाबाद, स्कूल से भी ज़्यादा दे लुक फॉरवर्ड टू तालीमाबाद टू कम बैक होम एंड टू कंटिन्यू देयर लर्निंग. It's been like almost 4 years since you graduated. 5 now, yeah. Almost, right? So, कैसा रहा? I think it's an interesting journey. Not quite what we expected. हमें लगता था कि हम you know graduation के बाद कुछ शुरू करेंगे और it will take off immediately and it will be super easy. It's not.
इट्स टेकन सम टाइम टू टेक ऑफ एंड वी स्टिल थिंक, आई थिंक हम लोगों ने पहले रियलाइज़ किया था कि हम इसको पाँच से दस साल करेंगे तो हम इस मॉडल को हर बच्चे तक पहुँचा देंगे। हमें अब लगता है कि हम पूरी ज़िंदगी भी लगा दें तो काफ़ी कम है, एंड सो दैट्स वाई वी डेडिकेटेड। अभी 120 लोगों की टीम है, ये सारे अक्सर जो इस टीम में लोग हैं फॉरेन ग्रेजुएट्स हैं, बाहर से पढ़ के आए हैं, एंड दे डेडिकेटेड देमसेल्व्स टू दिस। एंड व्हाट वी रियलाइज नाउ इज़ के सिर्फ यू नो एक मोबाइल ऐप बना के मुल्क में कुछ नहीं तब्दील होगा, या फिर टीवी पे कार्टून चला के मुल्क में कुछ नहीं तब्दील होगा। और अब आई थिंक ये सारे के सारे लोग जो हैं ये तालीम के बारे में बहुत ज़्यादा ब्रॉडली सोचना शुरू हो गए। आपको पता है इस्लामाबाद में खूबसूरत ट्रेल्स हैं, इस्लामाबाद की सड़कें बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से बनती हैं, कभी आपको टूटी हुई सड़क हार्डली नज़र आएगी। मेरे घर के बाहर सड़क तीसरी दफ़ा कारपेट हो चुकी हुई है, हालांकि उसको साल भी नहीं हुआ था। और इस्लामाबाद के अंदर जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनके जो मेंटेनेंस बजट हैं वो है ही नहीं। इस साल किसी ने डिसाइड किया कि उसके मेंटेनेंस बजट बढ़ने ही नहीं चाहिए। एंड सो जब हम लोग को इस तरह की बातें पता चलना शुरू, तो हमने कहा जितने भी यू नो कार्टून्स बना लेंगे, देयर इज़ समथिंग डीपर एट प्ले ओवर हियर दैट वी नीड टू चेंज। और इसलिए अब हम लोग थोड़े आहिस्ता आहिस्ता पॉलिटिकली एक्टिव भी होते जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल इस पे जाके हमने यू नो मिनिस्टर से पर मुलाकात की, इसमें जाके हमने जितने भी यू नो सीनियर ऑफिशियल से गवर्नमेंट से बात की, हमने ये डिसाइड कर लिया कि यू नो जब तक स्कूलों की दीवारें नहीं बनेंगी, बहुत से स्कूल्स इस्लामाबाद में जिनकी छतें गिरने वाली हैं, जिनकी दीवारें टूटी हुई हैं, एंड वी जस्ट फोकस ऑल ऑफ आवर एनर्जी ऑन दैट, सेइंग कि अगर हम लोग इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं ना पॉलिसी में, तो पाकिस्तान की तालीम में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ सकता है। तो अब हम लोग हुकूमत के साथ पॉलिसी में उनको पुश करना, और जहाँ जहाँ वो एजुकेशन में ख़राब पॉलिसीज़ बनाते हैं, जहाँ नहीं बना पाते, उसमें उनके साथ काम करना, आई थिंक दैट्स बिकम अ वेरी एक्टिव पार्ट ऑफ आवर वर्क। बिकॉज हमें लगता है कि अपने साइलोज़ में रह के अगर हम सिर्फ तालीम के बारे में सोचेंगे ना, तो उधर तक तालीम पहुँच ही नहीं सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में बच्चा पैदा होता है, बोलता है ढाटकी, उसके स्कूल में जाता है तो टीचर से बोलती है उर्दू, उसका इम्तहान आता है तो होता है अंग्रेज़ी में, और नमाज़ पढ़ता है तो पढ़ता है अरबी में। None of these languages, apart from ढाटकी या उसकी मादरी ज़बान समझता है। Now compare that to Finland or Germany or Japan, बच्चा अंग्रेज़ी में नहीं पढ़ता, बच्चा जापानीज़ में ही पढ़ता है, और जर्मन में ही पढ़ता है, फिनिश में ही पढ़ता है। एंड आई थिंक दैट्स वेयर वी डीपली गॉन रॉन्ग। अभी हमारी एक और बहुत प्रोमिनेंट पुश ये है कि मादरी ज़बान में पढ़ें, कुछ भी रिसर्च अब पूरी दुनिया ही कहती है कि मादरी ज़बान में बच्चे पढ़ सकते हैं, कुछ खराब नहीं है। डू यू थिंक वन करिकुलम इज़ पॉसिबल इन पाकिस्तान, सिंगल करिकुलम जो इमरान खान पोस्ट कर रहा है, लाइक जेन्युइन unbiased opinion? I think the single curriculum has some good ideas in it. I think the single curriculum will have to, my main point is that mass schooling shuru hui hai koi 150 saal pehle. इससे पहले हर कम्युनिटी का एक अपना हेज स्कूल होता था जहाँ वो बच्चे पढ़ते थे, उनको जो उनकी जिंदगियों के मुताबिक नेसेसरी नॉलेज थी वो दी जाती थी। मैथ स्कूलिंग जब इंडस्ट्री ले रहा आया, तो उसके बाद हमने कहा कि बच्चे ज़्यादा, हमें इंडस्ट्रियल वर्कर चाहिए, तो हम स्कूल को भी एक फैक्ट्री की तरह यूनिफॉर्म बनाते हैं। बट वो ज़माना ही गुजर गया है, नीड ही कोई और है, लोकल नीड ही कोई और है। जिस बच्चे ने फॉर एग्जांपल अपने हु हैज़ टू फिगर आउट कि उसने अपने यील्ड कैसे बेहतर करनी है, जो किसान का बच्चा है जिसने यू नो ट्रैक्टर के बारे में सीखना है, जिसने और यूज़फुल चीज़ें सीखनी है मौसम के बारे में, क्लाइमेट के बारे में, सोइल के बारे में, उसको उसके इंटरेस्ट के मुताबिक, उसकी लोकल नीड के मुताबिक पढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अनलेस एंड अनटिल हम लोग ये नहीं रियलाइज़ कर लेते कि एक कम्युनिटीज़ को वो एम्पावर करना कि अपनी ज़बानों में और अपनी लोकल नॉलेज को कैसे आगे ट्रांसफ़र करेंगे, आई थिंक हमारी नेशनल आइडेंटिटी फिर भी टूटी रहेगी। बिकॉज हमेशा इस्लामाबाद से कोई बलूचिस्तान के अंदर किसी बच्चे के दिमाग के अंदर कोई इम्प्लांट करना चाह रहा होगा, वेयर एज वॉट ही रियली शुड बी लर्निंग इज नो वे टू बी सीन। फ्रॉम व्हाट आई हैव अंडरस्टूड, एक सिंगल करिकुलम नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है सिंगल करिकुलम एटलीस्ट गाइडिंग डॉक्यूमेंट एक होनी चाहिए, ये हमारे बच्चों को बताना चाहिए। But in the way that it's being enforced, you know, Balochistan ke is zile ke andar bhi ye curriculum chalega, varna I think that is not the right way to go about it. I wouldn't do it if I was doing a guiding document, yes, but enforced ke padhna hi yahi hai, iske alawa kuch nahi padhna, that is problematic. So how did you discover ye trail? Bada acha lag raha hai. So ye trail isse pehle ye band thi, ye abhi aaj in fact launch hui hai, aur ye trail is one of the most वाइल्ड लाइफ के हिसाब से सबसे ज़्यादा डाइवर्स ट्रेल ये है। और दो अब क्राउड आना शुरू हो गया है, तो आहिस्ता आहिस्ता जानवर जो हैं वो रिट्रीट करना शुरू कर देंगे। बट यहाँ पे इसको काफ़ी अर्सा बंद रही है, अभी आप देख रहे होंगे इन्होंने बिल्कुल अभी इसको हटा के इस ट्रेल को दोबारा, ये सारी झाड़ियाँ साइड पर हटाई गई हैं, ट्रेल अभी जो है वो दोबारा रीओपन हुई है। वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रेल्स इन इस्लामाबाद, और
इसके ऊपर बैठे कभी आपको फेजेंट्स नजर आएंगे और मुख्तलिफ बर्ड नजर आएंगे। यू सेड लेपर्ड्स भी होते हैं, डेंजर तो नहीं होता कोई अटैक वटैक? लेपर्ड्स इंसानों से ज़्यादा दूर ही रहते हैं और वो नॉक्टर्नल है यानी कि रात के वक्त निकलते हैं, तो ज़्यादातर आपको इस वक्त बर्ड नजर आएंगी मुख्तलिफ स्पीशीज की। और यहाँ से रास्ता ऊपर बाकी ट्रेल से सब मुनाल तक जाता है, इसका रास्ता मुनाल तक नहीं जाता। नाइस, यही से होती वापस आया। या ये अच्छी बात है इस्लामाबाद की। ये मेरी टीम है। अच्छा, वेयर इज द रेस्ट? हाय, हाउ आर यू? सलाम अलैकुम। राजनपुर गए थे और राजनपुर में बहुत ज्यादा आउट ऑफ स्कूल लड़कियां हैं। राजनपुर है किधर, फॉर दोस हु डोंट नो? सिंध बलूचिस्तान और पंजाब के बॉर्डर पे, इट्स द लास्ट डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब एंड एक्सट्रीमली सॉर्ट ऑफ इंपॉवरिश्ड एरिया जहाँ पे गुर्बत बहुत ज्यादा है और लैंडलेस जो फार्मर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। उन जगहों पे सेकेंडरी स्कूल है ही नहीं, बहुत कम है लड़कियों के लिए, तो खास करके क्योंकि लड़कियों के लिए लैदा हो जाता है बाद में आके, लड़कियों के सेकेंडरी स्कूल बने भी नहीं है, इसलिए लड़कियां आउट ऑफ स्कूल बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे। खास तौर पे जो पाँचवीं पढ़ लेती हैं छठी में नहीं जा सकती। इधर ही हम लोगों ने एक प्रोग्राम शुरू किया था जिसमें हम लोग उनको टैबलेट देते थे और उनके छोटे छोटे क्लस्टर बना देते थे और पूरा साल लड़कियाँ टैबलेट से पढ़ती थी, साल के एंड पे जाके जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम होता है वही गवर्नमेंट एग्ज़ाम लेती थी। तो ट्रिक वॉज के अगर वो पढ़ गई और एग्ज़ाम पास कर लिया तो इसका मतलब है घर पे बैठे हुए स्कूल गए बगैर वो पढ़ाई हासिल कर ली। सो इफ़ दे कॉन्ट कम टू स्कूल, द आइडिया वॉज दैट वी वुड टेक द स्कूल टू देम। एंड इस अभी दो महीने पहले इसका रिजल्ट आया एंड वॉट शॉक्ड अस वाज कि राजनपुर एक ऑलरेडी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, उसके सबसे बैकवर्ड तहसील के अंदर, उसके सबसे बैकवर्ड गाँव के अंदर एक लुंडी सईदा जगह थी और लुंडी सईदा के अंदर तीन लड़कियां थी और इन तीन लड़कियों की सर्कमस्टांसेस इंतहा की मुश्किल थी। यानी कि ये कभी कॉटन पैकिंग करने जाती थी, हाथ सूजे हुए होते थे कॉटन पैकिंग कर करके, कभी ये जाती थी यू नो गंदम की कटाई पे जाती थी, पूरा दिन फार्म वर्क करती थी, सुबह सुबह उठती थी, फैमिली से ख्याल रखती थी, नाश्ता पकाती थी, फिर पूरा दिन खेत में काम करती थी, फिर शाम को आके दोबारा फैमिली के लिए खाना बनाती थी और रात को मतलब सोने से पहले ना एक घंटा वो टैबलेट को एयरफोन लगा के टैबलेट के साथ वो पढ़ती थी। तीनों ने ये बताया कि रात को अक्सर ना वो एयरफोन लगा के जानबूझ के सो जाती थी ताकि वीडियो भी चलती रहे, कान में आवाज़ भी आती रहे, सुबह उठते साथ ही कोई नहीं जागा होता तो उठ के पढ़ लेती थी। इन्होंने पूरा राजनपुर टॉप किया इन तीन लड़कियों ने और इनके जो वालदेन थे जो बड़े उसके ख़िलाफ़ भी थे यू नो कि बस पढ़ लिया ना जितना पढ़ना था। इवन दे केम टू द सेरेमनी, इवन दे वर प्राउड। एक जो बहुत ट्रेडिशनल थे अंकल थे, उसके अब्बा जान जो थे, उन्होंने बोला कि अब वो मेरे साथ बैठ के घर की जो फाइनेंसेस होती है और घर के जो खर्चे होते हैं और जो फार्म के खर्चे होते हैं वो उसको स्मूथ बनाने में मेरे साथ बैठ के हेल्प करती है, जो कि ट्रेडिशनली बड़ा बेटों वाला रोल है वहाँ पे, जो कि अब उसकी बेटी जो है वो अदा कर रही होती है। उन्होंने बड़े लंबे लंबे खत लिखे हम लोग को कि अब जी हमने आगे भी पढ़ना है, आगे तक जाना है। बट इमेजिन दिस, आपने एक फंडामेंटल नोशन फ्लिप कर दिया एजुकेशन मॉडल का कि स्कूल आना ज़रूरी है जी, स्कूल की बिल्डिंग होना ज़रूरी है। एंड इफ गर्ल्स वो मिलती भी थी खुद बैठ के एक दूसरे के साथ नोट्स भी डिस्कस करती थी। इफ़ यू कैन टेक द स्कूल टू द गर्ल एंड मेक इट सो दैट दे एंजॉय देमसेल्फ्स, स्पेशली आफ्टर कोरोना, आई थिंक इट्स हैज मेड अस रियलाइज। वैसे एक लास्ट क्वेश्चन के, व्हाट डू यू थिंक इज पाकिस्तान्स बिगेस्ट प्रॉब्लम, यानी इन पाकिस्तान्स बिगेस्ट हर्डल इन प्रोग्रेसिंग? I mean, I'm obviously biased to say that it's education. But I think even deeper than that is, I do think that we've got now a ruling class, or at least elite capture, yani. जो इवन राजनपुर के अंदर भी जो लीडरशिप है, जो इलेक्शन जीतते हैं, दे बिकम हॉरिबली आउट ऑफ टच विद रियलिटी। एंड आई थिंक वो एलीट्स का आइडिया ऑफ पाकिस्तान ऐसा है जिसमें गरीब को पावरलेस, डम्ब और स्टूपिड समझा जाता है, जबकि हम लोग इतनी बात कर चुके हैं कि द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ दैट। सो आई थिंक तालीम तो है ही, और आई फील लाइक ओवरसीज पाकिस्तानी इस में देयर कल्प्रिट्स, दे थिंक दे काफ़ी, यानी आई एम इवन गिल्टी ऑफ दैट आई थिंक एट सम पॉइंट ऑफ माई लाइफ, कि पाकिस्तान की जाहिल अवाम वाला जो एक फ्रेज़ है ना, अब मुझे उससे बड़ी नफरत हो गई है। लाइक एंड आई थिंक ओवरसीज पाकिस्तानीज मोस्ट ऑफ देम आर, यानी व्हाट यू से, they yeah guilty of that, including myself at some point of my life. I think I don't think like jahalat jo hai na, it's not about
किसी के पास डिग्री या एजुकेशन फॉर्मल एजुकेशन नहीं है तो जाहिल है। आई फाउंड माई सेल्फ मोर जाहिल इन बेसिक थिंग्स इन लाइफ लाइक आई डोंट नो आई डिडंट नो के मतलब आई डिडंट नो के मुर्गी बगैर मुर्गी के अंडा देती है। इट्स अ प्रीटी बेसिक थिंग बट कहने को मेरे पास डिग्री वगैरह है बट आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ नॉलेज। या पौधा ये कौन सा पौधा है ये लाइक आई डोंट नो राइट। सो डू यू व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट। हमारी पूरी जो पिछले 5 सालों की जो जिद्दोजहद है वो इसकी है कि हम किसी तरह अपनी प्रिविलेज को शेक ऑफ कर सकें, बिल्कुल अपनी प्रिविलेज को साइड पे रख सकें, क्योंकि हमारी प्रिविलेज हमें अंधा करती है, हमें वो रियलिटी दिखाती है पाकिस्तान की जो शायद इस्लामाबाद की अजम्पशन पे। और एक चीज़ हमने ये सीख ली है कि इस्लामाबाद की अजम्पशन कुछ भी नहीं है। इस्लामाबाद इज और कराची लाहौर इज अ बबल एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ पाकिस्तान इस कम्प्लीटली डिफरेंट प्लेस, अ होपफुल प्लेस। हमें ये लगता है पूरा पाकिस्तान ट्रैवल करके कि उम्मीद की इतनी कहानियाँ हैं कि आई थिंक अगले 10 सालों में पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा रेडिकली बदलने वाला है। सो इफ़ देर इज़ ए नई अपॉर्चुनिटी फॉर ओवरसीज पाकिस्तानीज़ टू कम बैक इट्स नाउ, बिकॉज आई थिंक वो टिपिंग पॉइंट आ चुका है जिसमें एक यंग नेशन है जिसके नौजवान जो हैं, जिस तरह मैंने आपको कहानी सुनाई उन लोगों की जो गाँव में थे जो वोट मांगने पर उन्होंने अपनी डिमांड्स आगे रखी, आई थिंक वो पोलिटिकली एक्टिव हो गए हैं, वो अपनी आवाज़ और अपने हकूक़ को समझते हैं। और आई थिंक जब उनको नहीं मिलेगा कुछ 2-3 सालों में नौकरियां और ये सारा कुछ, तो आई थिंक दे विल पुश फॉरवर्ड फॉर अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पाकिस्तान। ऑल ऑफ दैट इज़ हैपनिंग आउटसाइड ऑफ इस्लामाबाद लाहौर कराची। ये वो देहात के नौजवान हैं जो कि आई थिंक अब बहुत ज़्यादा वोक हो गए हैं और अपने चेंज के लिए सारा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आई फाइंड पाकिस्तान द मोर एंड मोर आई विजिट रूरल पाकिस्तान आई फाइंड इट मोर एंड मोर टू बी अ वेरी होपफुल प्लेस। दैट्स अ वेरी गुड नोट टू एंड। So, I hope you enjoyed today's vlog or do share your thoughts in the comments and do show your support to Haroon. Can people donate to your organization? Yes, yes. I can give you the details and they can. Okay, so do support, do show your support to people like him. We need more people like him in Pakistan. So, if you can, you should. Thank you very much and see you in the next video.